सो भाई ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि रिसेंटली ना यार मैंने ना एक्सबॉक्स लाउड गेमिंग का गेम पास परचेज किया था, और भाई फिर मैंने उसको अपने ऐड किया आईफोन में, और भाई फिर मैंने साथ में अटैच किया अपने रेजर कीजी के कंट्रोलर्स। सो भाई मैं आपको क्या ही बताऊं यार, जो मज़ा है ना यार वो 10 गुना हो गया। और भाई मुझे लगा यार ये वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए सब लोगों के साथ में, क्योंकि यार ये जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही यूनिक है यार। सो गाइस बने रहो वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई आपको एक्सेस कैसे करनी है गेमिंग लाइब्रेरी इंडिया में एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग की, और आपको गेम पास कैसे खरीदना है, और सबसे बड़ी बात हम इसकी गेम लाइब्रेरी की भी बात करेंगे और इसको सेटअप कैसे करना है एंड ऑल। सो भाई मुझे कभी पहले लगा नहीं है कि मैं एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग के थ्रू यार किसी गेम को कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत ही लेटेंसी मुझे लगता था कि आएगी, या तो गेम प्ले अच्छा नहीं होगा या तो ग्लिचेस होंगे। बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ यार, मुझे एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग बहुत ही पसंद आई यार, क्योंकि यार ये इतना फ्लॉलेस है ना यार, और सर्वर कभी भी डाउन नहीं जाता यार। और भाई इससे पहले ना यार मैंने वीडियो बनाई थी जियो गेम्स क्लाउड पे, बट भाई काफ़ी लोग मुझे उसमें ये बोलते हैं यार कि भाई जो जियो गेम्स क्लाउड है इट सक्स मैन, उसमें गेम नहीं चलती है, उसमें यार गेम टाइटल्स नहीं है, या सर्वर ऑफ आता है, और भाई कंट्रोलर्स गायब नहीं होते हैं उसके ऑन स्क्रीन वाले। वैसे भाई जो ये जियो गेम्स क्लाउड है ना यार, ये अभी बेटा वर्जन है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। सो भाई जो अभी मैं मोबाइल के साथ फिलहाल जो कंट्रोलर यूज़ कर रहा वो है रेजर कीशी का यूनिवर्सल गेमिंग कंट्रोलर। ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है यार ये, मतलब काफ़ी छोटा है होने के कारण यार ये कहीं भी फंस जाता है, लाइक जेब में आप रख सकते हो उसको। सो भाई जो सबसे बढ़िया बात लगी है ना मुझे यार, वो प्लग इन प्ले वाला फीचर लगा है यार। आप कहीं बाहर हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आपको गेमिंग करनी है ना, आपको यार जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोलर निकालना है और गेम खेलनी है, दैट्स इट। सबसे पहले यार मैं यहाँ पे हिटमैन 3 खेल रहा हूँ यार, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं इसके यार, और फ्रेम भी ड्रॉप नहीं होते हैं। और भाई उसके बाद मैं खेल रहा हूँ रेसिंग गेम में फोर्जा होराइजन, भाई इसके ग्राफिक्स तो यार नेक्स्ट लेवल हैं यार, क्योंकि ट्रिपल टाइटल हैं यार ये, और इसके जो मैं क्या ही बताऊँ यार, जो सीन्स हैं ना यार वो बहुत ही औसम है। और भाई उसके बाद मैं खेल रहा हूँ यार ये प्लेग टेल। अब प्लेग टेल यार मैंने काफ़ी हद तक एंड कर दिया यार, मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया था मैंने अपने एक्सबॉक्स क्लाउड में गेमिंग करने के लिए। और भाई उसके बाद मैं खेल रहा हूँ यार असैसिन क्रीड ओडिसी। भाई वैसे मैंने यार असैसिन क्रीड ओडिसी का पहले ही अपने PS4 में ऐड कर दिया था, पर मुझे मोबाइल में खेलने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। और भाई जो ये गेमिंग कंट्रोलर है ये दोनों के लिए अवेलेबल है, बेसिकली एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी। अब बेसिकली मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आईफोन है वो भी टाइप सी पोर्ट लेके आने वाला है, लाइटनिंग पोर्ट हटाने वाला है। सो बढ़िया होगा यार अगर उन्होंने लाइटिंग पोर्ट हटा दिया, क्योंकि यार एक ही केबल रखने की जरूरत पड़ेगी हमको, बार बार मतलब 10-15 केबल साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड भाई अगर हम बात करें यार गेम लाइब्रेरी की, तो भाई आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारी गेम्स हैं यार, मतलब ट्रिपल टाइटल्स तो भरे पड़े हैं इसमें। मैं एक बार आपको पूरी स्क्रीन स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ ऑल गेम्स वाला सेक्शन, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी सारी गेम्स हैं यार इसमें। एंड अगर हम बात करें कि आपको इंटरनेट कितनी स्पीड का चाहिए यार, आपको ज़्यादा ऐसे स्पीड का नहीं चाहिए ऐसे 1 GBPS, आपको सिर्फ 20-50 MBPS का कोई अच्छा सा स्टेबल कनेक्शन चाहिए, एंड आप उससे क्लाउड गेमिंग इजीली इंजॉय कर सकते हैं। कितने का है गेम पास यार? गेम पास भाई अगर आप पहला जो आपका महीना होगा ना, आपको सिर्फ उसमें $1 देना पड़ेगा, $1 यार मतलब कि 82 रुपीज़, बस इतना ही रुपीज़, इतना ही आपको 80-82 रुपया इतना ही देना पड़ेगा, और उसके बाद भाई आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्जेस। बट पहले यार आप एक मंथ ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लान को। सो भाई खरीदना कैसे है गेम पास को? भाई बहुत ही आसान है यार, आपके पास वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट, और एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। मैं बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से साइन अप करके और पूरा पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। और भाई अगर हम बात करें कि हमें एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग को प्ले कैसे करना है अपने मोबाइल में, सुबह सबसे पहले आपने अपनी ब्राउजर में सर्च करना है एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग, और उसके बाद आपने सर्च कर लेना है इसको, और आपके पास फर्स्ट रेफरेंस आएगा यहाँ पे एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग बेटा, आपने बस उस पर क्लिक करना है यहाँ पे, और ये लोड हो जाएगा यहाँ पे। आपने यहाँ पे साइन इन नहीं करना है, आपने बस इसको शेयर करना है, एंड आपने करना है यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन। सो जैसे ही आप ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे एंड उसके बाद आप बैक जाएंगे, एंड बैक पे बेसिकली आपको अपने जो होम स्क्रीन होगा वहाँ पे दिख जाएगा आपको एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग। सो मेरा ऑलरेडी साइन इन है अकाउंट, आपने बस जो अपना अकाउंट क्रिएट करा है वहाँ यहाँ पे साइन इन करना है, एंड दैट्स इट।
सो सबसे पहले यार आपको एक वीपीएन चाहिए होगा, आप कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा यार मैं यहाँ पे नोड वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं नोड वीपीएन ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, आपको बस नोड वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है और अपने जो एक्सप्रेस लॉट गेमिंग है उसको ओपन करना है। यहाँ पे मैं एक बार साइलेंट बटन हटा देता हूँ और वॉल्यूम अप कर देता हूँ इसकी यार। सो भाई अभी मैं चलाने जा रहा हूँ येवली यार गेम, काफ़ी मैंने 50-60% गेम कंप्लीट कर दी है ऑलमोस्ट, बट अब हमें ये लोड हो रही है। वेट अ सेकंड, मैं इसको स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो भाई अब यहाँ पे लिखा आ रहा है यार रेडी टू प्ले, यस टैप टू स्ट्रीम इट। इसको हम हिडन कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद देखिए मैंने ऑलरेडी इसको खेला हुआ थोड़ा सा। सो भाई हमारी गेम हो गई है स्टार्ट। ग्राफिक देख सकते हैं, ग्राफिक बहुत ही अच्छे आते हैं यार, मतलब कोई भी ज़्यादा कोई वो नहीं है यार, मतलब ऐसे कोई खतरनाक सा आपको स्पीड का कनेक्शन चाहिए, आप आराम से 50 MBPS पे भी खेल सकते हैं इसको। मैं छुप जाता हूँ, आप ग्राफिक देखिए क्वालिटी देखिए ग्राफिक्स की, बहुत ही अमेजिंग है। और भाई ऐसे मैं समझना कि यार ये मैं फेक प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि यार आपको मैं बैक करके दिखा देता हूँ, आप ये ऑनलाइन ही प्ले हो रही है, ये देखिए प्ले पे मेरा यहाँ पे स्कोर आ रहा है एक्सबॉक्स का। एंड भाई अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की कि क्या क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, सो भाई जो सबसे अच्छा लगा है मुझे वो अब स्टेबिलिटी है इसकी यार, क्योंकि मुझे एक भी लैक नहीं दिखा सर्वर में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। और जो सबसे बड़ी बात, जो उसकी उसकी जो FPS है वो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं या कोई ग्लिच नहीं आ रहे है गेम में या क्रैश नहीं हो रही है गेम। और जो मुझे बात जो उसकी बेकार लगी है यार, वो तो यार बेकार भी क्या कह सकते हैं उसको यार, कि बार बार हमें VPN कनेक्ट करना पड़ता है क्लाउड गेमिंग खेलने के लिए, बट थोड़ा बहुत तो यार करना पड़ेगा भाई, एडजस्टमेंट यार, इंडिया है यार, जुगाड़बाजी करके हम कुछ ना कुछ स्कीम निकाल लेते हैं, बट अच्छा है, अच्छी गेमिंग करता है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं भाई। सो भाई फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और भाई अगर आपको यार थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट दिखाना है भाई को तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप वीडियो शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको ये क्लाउड गेमिंग करनी है, जिनको अच्छा लगता है। सो दैट्स इट गाइस, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस पीस आउट एंड जय हिंद।